अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे जी। शिनवारी मार्बल 2 से अजमतुल्ला, लोकेशन जो है मामदगढ़ मोमंद एजेंसी। अच्छा, शिनवारी मार्बल 2 इसलिए कि ये हमारे बड़े भाई का कारखाना है और तकरीबन 7-8 महीने हो गए ये आज हमने विज़िट किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें जी। इस वीडियो में एंड में आपको साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ज़ियारत का पहाड़, जो एक्चुअल पहाड़ है ज़ियारत मार्बल का, जिधर से निकलता है। और ये तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर के फासले पर ये मार्केट है, सही है। तो तकरीबन 30-40 के करीब कारखाने इधर भी, और ये फिर जो एक्चुअल ज़ियारत की कटाई वो इधर ही होती है, खानकाह ज़ियारत। और इनके पास जो माल था, तकरीबन माल तो बहुत ज़्यादा है, इसमें भी बहुत है, ग्रे बादल ग्रे डंडे में भी है, तकरीबन डंडों का लाट है। अच्छा, इनका सिस्टम जो होता है वो गा का सिस्टम नहीं होता, ये फिर शोरूम वाले का इनके साथ कांटेक्ट होता है मोबाइल पे, और कभी कभी ये जो इधर जो आते हैं इन मार्केट पे तो शोरूम वाले ही आते हैं, सही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नया सेटअप था, बड़े भाई इधर होते हैं तो वो हफ्ते में एक दिन चक्कर लगाते हैं पेशावर को, बाकी इधर होते हैं। ये हमारे सेटअप शुरू है, ये बड़े जो गोल जो पत्थर है वो काटते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हम आपके साथ 2-3 किस्म के माल शेयर करने वाले थे, अगर कोई बात इंटरेस्टेड हो तो इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हो। बाकी ये वीडियो उनके लिए जो है यूज़फुल है कि शोरूम वाले के लिए जो लाहौर में सियालकोट पेशावर जिधर भी हो ना शोरूम वाले हो, और वो अगर लेना चाहते हो शोरूम के लिए, क्योंकि इनकी कटाई जो होती है 74 में होती है, तो इंशाल्लाह। हाँ, अगर घर किसी घर वाले किसी बंदे को माल पसंद आता है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हो, इंशाल्लाह 20-25 रुपए किराया आएगा शब कदर तक, फिर हम काट के रिसेस करके उनके लिए ऑर्डर तैयार कर सकते हैं, हर किस्म का ऑर्डर इंशाल्लाह। तो इस तरह है कि आपको कुछ माल दिखाने थे जी हमारी आज की वीडियो, ये मुझे माल पसंद आ गया तो मैंने सोचा के लिए वीडियो, ग्रे बादल ग्रे की वीडियो इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि वो इधर भी रहते हैं और मुनासिब रेट पे उधर भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ें फिर इधर सही मिलती है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत माल है, ये देखें, और ये तकरीबन सारा एक ही शेड का माल है, देखो नज़र आ रहा होगा आपको, सारा एक ही शेड का माल है, सही, बहुत ही खूबसूरत। तो ये ज़ियारत वाइट, इसमें फिर ये वाला जो है ये बी कैटेगरी है, सही है, ये इस माल से चांटी हुआ है, सही है, माशाल्लाह खूबसूरत माल है। और ये जो है ये सी क्वालिटी है, इसको वाइट ग्रे बोलते हैं, या एक क्वालिटी वाइट ग्रे, सही। इसका जो एक और लाट है ये इनका बी क्वालिटी वाइट ग्रे, सही, ये मतलब ग्रे ही समझ लो। ये जो है ये जितना लाट आपको नज़र आ रहा है ना, ये फिर उनका साथ है, मतलब ये भी वाइट ग्रे, सही है। तो ये भाई किसी भाई को पसंद आता है, किसी घर में लगाना होता है और मुनासिब रेट पे, क्योंकि रेट तो ऑलरेडी, क्योंकि पहाड़ इधर करीबी पहाड़ होगा, आपको इंशाल्लाह वीडियो में एंड में दिखाएंगे। और ये माल थे, अगर किसी भाई को पसंद आते, किसी शोरूम वाले को, किसी भाई को, तो इंशाल्लाह इधर आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, घर वाले वो ना करें इतनी ज़्यादा, घर वाले हम सराब तक कर सकते हैं इंशाल्लाह, कोई भी इन तीनों में से। ये माल मुझे पसंद आ गया, बाकी ये दो, ये देखो ये ग्रे का है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रे का माल है, तो ये उधर भी मुनासिब रेट पे, पंजाबी में शायद आपको मुनासिब रेट, लेकिन ये चीज़ें फिर शबकदर में भी नहीं मिलती ना उस रेट पे। तो माल को इंशाल्लाह देखें, इंशाल्लाह पसंद आएगा, और इंशाल्लाह इस वीडियो में एंड में जो रास्ता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और जो ज़ियारत का पहाड़ है वो भी इस वीडियो में एंड में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो में साथ रहे, और बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, और अगर कोई शोरूम वाला कोई दोस्त वगैरह हो वो अपने शोरूम के लिए वो करना चाहते हो, तो मैं फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते, फिर मैं बाइक का नंबर उनको दे दूंगा इंशाल्लाह, और वो फिर उनके लिए 74 में लोड करवा लेगा, या वो विज़िट कर लेगा, कोई इशू नहीं है, विज़िट भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये बहुत बड़े बड़े लाट होते हैं इनके पास, तो ये वीडियो बनाने का आज का मकसद यही है, और दुआ चाहूँगा अल्लाह खुश और आबाद रखे, दुआ में याद रखे, सही इंशाल्लाह। ऐसे से गुजर रहा था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें, ये है ज़ियारत का पहाड़, सही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी फुल व्लॉग और फुल वीडियो आपके लिए बनाएंगे, लेकिन अभी ये रास्ते पे जा रहा हूँ, ये मोमंद एजेंसी का रास्ता है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो आपके लिए एक वीडियो बना ले, ज़ियारत का पहाड़ आपको दिखा दे। अभी इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा, इधर जो है इधर ब्लास्टिंग होती है, और ब्लास्टिंग के बाद फिर उसमें वो जो गोल गोल पत्थर है वो फिर ट्रकों और ये लारियों में नीचे आते कारखाने, वो कारखाने भी आपको दिखाएंगे। हमारा बड़े भाई का कारखाना इधर है गंदाव में, दूसरा मार्केट है, फिर तीसरा हमारा सुबर्णकोट में मार्केट है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, और उसकी उसके पास जो माल ये आपको दिखाना था ज़ियारत का पहाड़, सही है। और इंशाल्लाह